जी जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो इसका त्रिशूल निकल जाता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दे, तो देखो यहाँ पे जो है इस भगवान का नाम हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल गोरखा ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप लोग, होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को ले जा रहा हूँ तेजपुर के एक शिव जी का मंदिर, भैरवपद मंदिर। बहुत साल पहले ये दुनिया जो है ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था, एक बिंदु था। ये साइंस कहता है, मतलब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से उस बिंदु का विस्फोट होता है और इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है जिससे लाइफ का सृष्टि हुआ। मतलब पहले कुछ नहीं था और कुछ नहीं था में से कुछ हुआ, नहीं हुआ मतलब कुछ हुआ, कुछ नहीं होने में भी कुछ होना हुआ। तो आप लोग लॉजिकली समझे कि कुछ नहीं है और कुछ नहीं है में ही कुछ है, यही होता है। और शिव जी भगवान भी हमें यही सिखाता है कि अगर किसी चीज़ में कुछ नहीं है और उसी में कुछ होता है। लेट्स मी एक्सप्लेन यू लॉजिकली। देखो हम कुछ भी करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं उसमें भी कुछ कर रहा होता है। जैसे कि हम सोते हैं ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ में बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा होता है। इसी प्रकार इस यूनिवर्स में भी कुछ हो रहा होता है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ में कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे कि हमारे भगवान कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो मर जाते हैं, लेकिन हम नहीं मरते, हमारा आत्मा जो है वो अमर रहता है, वो किसी ना किसी चीज़ में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी को साइंस वाले कैसे कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता रहता है। ये बात तो हमारे भगवान ने पहले ही बोल दिया था आत्मा के रूप में, है ना। इसको मतलब साइंटिस्टों ने प्रूफ भी किया यूनिवर्सिटियों में। जैसे कि बहुत सालों पहले ये प्रूफ किया था कि मतलब हमारे शरीर में एक एनर्जी होता है, जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से एक एनर्जी रिलीज होता है, जिसको साइंटिफिकली प्रूफ भी किया है। और उसी को धार्मिक तरीके से कहा जाए तो हम आत्मा कहते हैं, मतलब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाते हैं, उसी आत्मा को ये साइंस वाले क्या कहते हैं, एनर्जी। तो बात यही है, तो हम जब जी रहे हैं तो हमारे शरीर में शिव जी है, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी है और वही एनर्जी जो है शिव भगवान है। और हम जब मर जाते हैं तो हमारे शरीर से एनर्जी रिलीज हो जाता है, वही एनर्जी जो रिलीज हुआ वही जो एनर्जी जो है वो शिव जी भगवान है। देखो भाई मैं साइंस के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, ये वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं वो साइंस के बदौलती हो रहा है। आप जो चीज़ भी करना चाहते हो वो आपके हिसाब से ही हो रहा है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड जो है इतने सटीक तरीके से किस प्रकार से चल रहा है, हवा पानी ये दुनिया जो इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम हुआ है, इसको भी तो कोई ना कोई प्रोग्राम चला ही रहा है ना, तो वही चलाने वाला प्रोग्राम हमारे गॉड है। हम लोग नीचे से आए थे, नीचे से आते आते अभी हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। ये जो मंदिर जो है रुद्रा पेट टेम्पल बोलते हैं, शिव जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आए थे नीचे से, लेकिन अभी यहाँ में आके पता चला कि यहाँ से आ सकते हैं। ये वाला रास्ता जो है एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है, लेकिन गूगल मैप ने हमें वो वाला एकदम बुरा वाला रास्ता से लेके आया जो कि हमें वहाँ से नहीं आना चाहिए था। तो गाइस ये मंदिर का व्यू कैसे ऊपर में जाने से ऊपर में, और भी ये मंदिर जो है काफ़ी सुंदर है। मंदिर तक पहुँचने के लिए काफ़ी आप वहाँ पे आई थिंक, तो आप वो मेरे पीछे आप दिख पा रहे हैं या नहीं है, शिव जी का जो इस वॉल पे दीवार पे जो तस्वीर बनाया हुआ है वो काफ़ी देखने लायक और काफ़ी तारीफ़ करने लायक चित्र बनाया हुआ है। देखिए गाइस, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, देखें काफ़ी सुंदर, काफ़ी मस्त और एकदम बढ़िया है। आप इस मंदिर पर आ सकते हैं, तेजपुर से आना पड़ेगा, तेजपुर से लगभग, तेजपुर मिशन चराली से लगभग ये मंदिर जो है 5.5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो आगे यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर का, यहाँ पे आगे मंदिर बनाया जाएगा। आप वहाँ पे पीछे में देख सकते हैं ये सारा जो है मंदिर है। तो यहाँ पे जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये देखिए वो उधर में भी जो है शिव जी का मंदिर है, काफ़ी सुंदर शिव जी का मंदिर वहाँ पे है। जो तस्वीर बनाया हुआ है वो काफ़ी देखने लायक मंदिर, देखने लायक तस्वीर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर बन रहा है ना भैया, ये सब मंदिर बनेगा, रुद्रापद टेम्पल बोलते हैं ना इसे, सिंहेश्वर देवालय। हाँ
तो इंग्लिश में तो रुद्रापे टेम्पल है, और जो एसएमएस में आपको बोलना पड़ेगा क्या बोल रहे थे भैया? टेनिसोर दयाल, टेनिसोर दयाल। तो मैंने तो इंग्लिश में देखा था, नाम एसएमएस में नहीं देखा था। तो यहाँ पे जो आपको दीवार में जो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर तस्वीर है। और आगे में ये देखिए, यहाँ में भी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोलो? हाँ, ये नंदी है, ये नंदी है, आप देख सकते हैं। और जो इस पीछे तरफ आप इस जो पीछे तरफ जो शिव जी और पार्वती का जो चित्र अंकन किया गया है, जो चित्र बनाया गया है, तस्वीर जो दीवार पे, ये काफ़ी सुंदर तरीके से एकदम अच्छे तरीके से, पीछे से भी जा सकते हैं ना। तो गाइस दोस्तों, यहाँ पे तो शिव जी का कंस्ट्रक्शन मंदिर बन रहा है, तो आगे से मैं आपको और भी दिखाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए ये रहा, ये रही सबसे अच्छी शिव का आँख, देखिए सबसे अच्छी आँख शिव का। तो गाइस, तो इन बच्चे तो यहीं रहते, इन्हें सब कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। जो इस दीवार में जो आपको जो चित्र बनाया गया, तस्वीर बनाया गया है, वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी देखने लायक है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये चित्र देखिए, वहाँ पे एसएमएस में लिखा है लेतरा नौकरी, मतलब आपको यहाँ पे कोई भी कचरा नहीं फेंकना है। तो देखो यहाँ पे जो है, इस भगवान का नाम है नंदी है। तो दोस्तों ये है नंदी, तो कहाँ पे शिव का आँख? तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे में, ये है शिव जी का आँख। दोस्तों ये देख सकते हैं, इतना सुंदर है कि कोई भी बोल नहीं सकता। हाँ, इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। तो दोस्तों तीसरी आँख, जब भी शिव जी जो है गुस्सा होते हैं, शिव जी जब ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो इसका त्रिशूल निकल जाता है। तो दोस्तों ये काफी सुंदर मंदिर है, तो मैं पीछे का भी व्यू आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। गहरा है, इसमें अगर आदमी गिरेगा तो बस नहीं नाच सकेगा। बोलिए जोर से बोलता, जय बोल लो। तो देखिए इन बच्चे में जो एनर्जी, जो जोश भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये सुबह सुबह 3 गिलास ग्लूकोज और शाम को 5 गिलास ग्लूकोज पी के आते हैं, जिसके वजह से इन्हें इतना काफी एनर्जी मिला हुआ है, जो कि हमें भी इतना एनर्जी नहीं है। तो दोस्तों आप इस मंदिर में जरूर आने का कोशिश करें। हाँ बोलो भाई, ये स्मार्ट शंकर ने बनाया है, उस्ताद स्मार्ट। और ये देखिए घुटनू, इसका दोस्त, नया दोस्त, इसका मंदिर का रखकर ये है। पीछे में भी देखा था वो आपको, ये देखिए पीछे में भी बहुत नदी सुंदर है, अति उत्तम। वाह, तो देखिए गाइस, जो मेरा हिंदी जो है काफी खराब है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। तो गाइस आप लोग जब भी तेजपुर आए तो इस मंदिर पे विजिट करने का जरूर कोशिश करिए, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी हम जूता पहने हैं तो मंदिर के अंदर में नहीं जाएंगे, बट बाय द वे आप मंदिर के अंदर में जाके भगवान का जो है दर्शन ले सकते हैं। काफ़ी दूर से लोग आते हैं, जो आप मेरे पीछे जो इतने बड़े पेड़ों का स्ट्रक्चर दिखाई दे पा रहे हैं या नहीं है, ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी ओल्ड है, बहुत ही सालों से ये पेड़ यहाँ पे है। ये कितना साल, कितना ओल्ड पेड़ है, इसका अंदाजा मैं लगा नहीं सकता। लेकिन ये शिव का पेड़ है, असली वाला दीजिए। कौन सा वाला? शिव का पेड़ है। शिव का पेड़? हाँ, शिव का पाँव। पाँव पाँव कहाँ पे? नीचे वाला मंदिर में। अब चलिए इंट्रोड्यूस। पाँव नीचे में है, दाया पाँव है जो नीचे में है। आप लोगों में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रसाद और खिचड़ी कुछ बनाया जा रहा है भक्तों के लिए। तो गाइस संभल के आना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खड़ी ढलान है। तो दोस्तों भक्तों के लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, भक्तों के लिए है ना भैया? यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से खाना बनाया जाता है, परोसा जाता है। यहाँ पे कोई पैसे तो देने नहीं पड़ते हैं ना इन खानों के लिए, बिल्कुल फ्री है भक्तों के लिए। यहाँ पे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आंटी, यहाँ में जो बिल्कुल फ्री है ना, ये सब बिल्कुल फ्री है। हाँ, भक्तों के लिए यहाँ पे जो खाना बनाया जाता है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो दोस्तों मैं, आप देखो मेरे, मैंने जूता पहना हुआ। शिव जी का पेड़ है।
शिव जी का पेड़ है ए रुद्रा पाठ बोले कर बोले तो स्मार्ट शंकर ने बनाया है शिव जी का पेड़ तो है मैं क्या करूं मैं क्या करूं क्या रखा तो इस भीतर में शिव जी का पांव भी दिखा लिया और यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो सब शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के दर्शन करने आए हुए हैं। मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आया हुआ था। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे पीछे देख पा रहे वो शिव जी के भक्त है। तो ये मंदिर जो है काफ़ी सुंदर है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताया। तेजपुर मिशन चराली से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पे है इस मंदिर पे, आपको ज़रूर आना चाहिए। आप इन्हें दर्शन कर मंदिर का दर्शन ज़रूर करिएगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेसेस है जी।